दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका गोला टॉप वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी जो हड़ताल होने वाली है, जो 22 अगस्त 2024 से जो हड़ताल होगी उसमें कौन कौन सी गाड़ियां चलेंगी। इसमें कुछ कमेंट्स हैं, जैसे कि ऑटो वालों के कमेंट्स आ रहे हैं और पर्सनल वालों के कमेंट आ रहे हैं, स्कूल वालों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा, सुनील जी ने लिखा है जी क्या ऑटो को भी रोका जाएगा। तो देखो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्या ऑटो को भी रोका जाएगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि ऑटो वाले जो संगठन है वो भी टैक्सी वाले संगठनों के साथ में ही है, और ऑटो संगठन जो है उन्होंने भी जंतर मंत्र पे ये बात बोली थी कि जिस दिन टैक्सी हड़ताल होगी, यानी 22 अगस्त से 23 अगस्त जो भी हड़ताल चलेगी, जितने भी दिन चलेगी, उतने दिन दिल्ली के अंदर ऑटो भी नहीं चलाएंगे। ऑटो को भी यहाँ पर बिल्कुल रोका जाएगा, कोई भी ऑटो को छूट नहीं दी जा रही है कि ऑटो नहीं चलेंगे, ऑटो चलेंगे। तो ऑटो बिल्कुल नहीं चलेंगे, ऑटो भी टैक्सी ड्राइवर भाइयों के साथ में ही है। और जी आगे बात आती है अजय शर्मा, स्कूल की गाड़ी, स्कूल की जो गाड़ियां हैं क्या उन्हें भी रोका जाएगा? तो बिल्कुल भाई साहब, आपको बता दें कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ना ही इस तरीके की बयानबाजी किसी ने करी है कि स्कूल में जो गाड़ियां चल रही हैं उनको रोका जाए। स्कूल वाली गाड़ियों को बिल्कुल भी कहीं भी नहीं रोका जाएगा, क्योंकि स्कूल के जो संगठन है उनको कोई भी परेशानी नहीं है, ना ही स्कूल के संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया है, ना ही कोई बयानबाजी की है। तो स्कूल की गाड़ियों को बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा, स्कूल की गाड़ियां बिल्कुल चलेंगी जी। आगे बात आती है, क्या अपने पर्सनल काम से किसी टैक्सी को लेकर, अब ये बात वो आ गई कि पर्सनल काम से टैक्सी को लेकर हम जाते हैं तो क्या उस टैक्सी को भी रोका जाएगा? देखो यहां पे बताऊं क्या दिक्कत आ रही है, पर्सनल काम से आप जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो येलो प्लेट की जो टैक्सी है उसको लेकर आप नहीं जा सकते। जैसे कि आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था, संगठनों से बात करी थी, उसमें बताया था कि जो कंपनियों में जो गाड़ियां लग रही हैं क्या वो भी चलेंगी, जो कॉल सेंटर में लग रही वो भी चलेंगी। तो उसमें साफ साफ ये बात आई थी सामने निकल के कि जो येलो प्लेट की जो टैक्सी है, जो टैक्सी के रूप में काम करती है गाड़ियां पीली प्लेट की, उन सभी को रोका जाएगा। तो ऐसे में दिक्कत यहां पे आती है कि आपने पूछा क्या पर्सनल काम से जाएंगे टैक्सी लेके तो क्या उसे भी रोका जाएगा? तो बिल्कुल भाई साहब, जो पर्सनल काम से आप जाओगे तो उसको भी रोका जाएगा। ये दक्ष जी ने ये सवाल पूछा था। तो आप जो टैक्सी लेकर अपने पर्सनल काम से नहीं जा सकते हो, अगर जाओगे कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पर्सनल काम से टैक्सी लेकर जा रहे हो, टैक्सी को वहीं पर रोका जाएगा अगर आप पर्सनल काम से जा रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि वो टैक्सी के रूप में काम करती है। और जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो टैक्सियों के लिए हो रहा है, उसमें ये नहीं पता चलता है कि आप पर्सनल काम से जा रहे हो या आप अपनी बुकिंग लेके जा रहे हो या बुकिंग लेने जा रहे हो। तो उसमें इस तरीके का कोई भी सबूत सामने नहीं आता, इसलिए पर्सनल काम से जाओ चाहे कॉमर्शियल काम से जाओ, टैक्सी नंबर गाड़ी है तो उसको जरूर रोका जाएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई और सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आपकी कोई राय हो तो वो भी हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।